हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हो ऑटोमेक चैनल और आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं स्टेयरिंग सिस्टम के बारे में कि स्टेयरिंग सिस्टम का असेंबली किस तरह से रहता है गाड़ी में। बेसिकली आपको ये सामने से गाड़ी में देखने पर पता नहीं चलेगा, आपको सिर्फ स्टेयरिंग व्हील के अलावा कुछ नहीं दिखेगा, बट यहाँ पर एक मॉडल तैयार किया है जिसमें आपको क्या क्या कंपोनेंट इसमें लगते हैं और कैसे ये काम करता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि स्टेयरिंग सिस्टम में सबसे जो मेन रोल है वो है स्टेयरिंग गियर बॉक्स का, और स्टेयरिंग गियर बॉक्स जो है वो अलग अलग तरह के आते हैं, जैसे रैक एंड पिनियन, वॉर्म एंड रोलर टाइप, नट एंड वॉर्म टाइप, अलग अलग टाइप के आते हैं। जैसे कुछ ट्रक्स में यूज़ होते हैं, कुछ कमर्शियल व्हीकल जैसे यूज़ होते हैं, कुछ पैसेंजर गाड़ियों में। तो पैसेंजर गाड़ियों में जो सबसे ज़्यादा कॉमन यूज़ होता है वो है हमारा रैक एंड पिनियन टाइप। तो रैक एंड पिनियन टाइप गियर बॉक्स हमारा ये है, तो मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले आपको पता ही है कि स्टेयरिंग लेफ्ट राइट मूवमेंट करता है व्हील्स की, तो किस तरह से मूवमेंट करता है, तो थोड़ा कंपोनेंट्स पे नज़र डालते हैं। सबसे पहले यहाँ पे स्टेयरिंग व्हील होता है, सबको पता है, जो सामने रहता है ड्राइवर के। उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे ये वाला जो है दैट इज़ स्टेयरिंग शाफ्ट, इसको स्टेयरिंग शाफ्ट बोलते हैं, और ये जो फिर स्टेयरिंग शाफ्ट के बाहर जाए दैट इज़ स्टेयरिंग कॉलम, और यहाँ पे इग्निशन स्विच होता है, ये भी डिसमेंटल्ड किया हुआ है। और स्टेयरिंग कॉलम को बॉडी के साथ, ये तो प्लाई है पर यहाँ पे ऑटो बॉडी होता है जो फैब्रिकेशन पार्ट्स होता है, उसके साथ ये ब्रैकेट होती है, तो उस ब्रैकेट के साथ इसको बॉडी के साथ अटैच किया जाता है। उसके बाद यहाँ पे ये जॉइंट्स दिए गए हैं, यूनिवर्सल जॉइंट बोल लो, कपलिंग बोल लो, देन फिर से शाफ्ट, फिर यहाँ पे एक और यूनिवर्सल जॉइंट, और उसके बाद यहाँ पे आप नीचे देखोगे, सबसे नीचे यहाँ पे है हमारा स्टीयरिंग गियर बॉक्स। स्टीयरिंग गियर बॉक्स के अंदर जो है वो आप देखोगे कि जैसे मैंने पहले बताया है कि रैक एंड पिनियन टाइप है, थोड़ा इसको लास्ट में एक्सप्लेन करता हूँ। गियरबॉक्स के बाद आप देखोगे कि यहाँ से एक शाफ्ट निकल के जाती है, और इसमें से यहाँ पे लास्ट में ये जो पोर्शन है, ये जो आप शाफ्ट देख रहे हैं, ये वाली बीच वाली यहाँ तक और यहाँ तक, ये हमारा टाई रॉड होता है। ये लेफ्ट में भी है और ये हमारे राइट में भी है, तो ये टाई रॉड है। टाई रॉड में एक चीज़ नोट करने वाली बात है कि यहाँ पे टाई रॉड में, यहाँ पे आप देखोगे कि बॉल जैसा कुछ है, इसको बॉल जॉइंट बोलते हैं। ये दोनों तरफ होगा, लेफ्ट और राइट, और बॉल जॉइंट में यहाँ पे ग्रीसिंग की जाती है, यहाँ पे ग्रीस भरी जाती है और उसको फिर यहाँ पे अटैच कर दिया जाता है ताकि ये लुब्रिकेशन प्रॉपर हो। कई बार हमारे टर्न करते वक्त जो है वो स्टेयरिंग में आवाज़ आती है, चैटरिंग नॉइस आती है, तो एक काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है गाड़ियों में। वो इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे ग्रीसिंग कम हो जाती है, कई बार ग्रीस प्रॉपर तरीके से हम मेंटेनेंस कराते हैं तो ग्रीसिंग नहीं करते हैं, और ग्रीसिंग ना करने से ये बॉल जॉइंट जो हों घिस जाते हैं, जिसकी वजह से जब ये मूवमेंट करते हैं, ये एंगुलर मूवमेंट करते हैं इस तरह से, तो ये जब भी स्टेयरिंग घुमाते हैं तो एंगुलर मूवमेंट करते हैं, जिसकी वजह से व्हील लेफ्ट राइट टर्न होता है, तो ये घिसने की वजह से यहाँ पे आवाज़ जो है वो क्रिएट होती है। तो ये चीज़ हमें नोटिस करनी चाहिए जब भी हम कभी स्टेयरिंग में मेंटेनेंस स्टेयरिंग मेंटेनेंस करवाएं, या फिर हमें कभी स्टेयरिंग में चैटरिंग नॉइस आए तो प्रॉब्लम यहाँ पे हो सकती है। तो जैसे मैंने बताया इसके आगे टाई रॉड है, टाई रॉड जो है वो इस जो असेंबली है यहाँ पे लास्ट में जो लिंक है इसके साथ ही अटैच है, जिसकी वजह से व्हील जो है वो व्हील को ये मोशन देता है। सबसे पहले मोशन स्टेयरिंग से यहाँ पे जाएगा और यहाँ से फिर दोनों शाफ्ट में दोनों व्हील्स को लेफ्ट राइट टर्न जो है वो स्विंग करेगा। अब बात करते हैं गियर बॉक्स के ऊपर, स्टेयरिंग गियर बॉक्स में। यहाँ पे तो ज़्यादा मैं इसको खोल के नहीं दिखा पाऊँगा, बट फिर भी मैं पिक्चर साथ साथ में डिस्प्ले करता रहूँगा। तो ये रैक एंड पिनियन टाइप, मोस्टली आजकल की नई गाड़ियों में रैक एंड पिनियन यूज़ होता है, और उसका रीज़न ये है कि ये जो है वो साइज़ में छोटा होता है, कॉम्पैक्टेड होता है। आजकल की गाड़ियाँ कॉम्पैक्ट आ रही हैं, जैसे हैचबैक गाड़ियाँ आ रही हैं, कॉम्पैक्ट हैचबैक गाड़ियाँ आ रही हैं, तो जितना ज़्यादा कंपोनेंट को कॉम्पैक्ट किया जा सके तो कंपनियाँ यही चाहती हैं, इसलिए वजह से ज़्यादा जो हमारा यूज़ होता है, तो फर्स्ट इसका रीज़न है यही कॉम्पैक्ट होने की वजह से। दूसरा ये एफिशिएंट ज़्यादा है, जो हमारा मूवमेंट है, जैसे हम जो स्टेयरिंग से जो मूवमेंट देते हैं, तो ड्राइव को ये लेफ्ट व्हील और राइट व्हील में प्रॉपर जो है वो इसकी एफिशिएंसी अच्छी है, मींस एफिशिएंट है काम करने में बाकी स्टेयरिंग के मुकाबले पैसेंजर व्हीकल में। कमर्शियल व्हीकल में जैसे मैंने कहा कि वार्म रोलर, नट एंड टाइप, अलग अलग टाइप के जो हमारे स्टेयरिंग गियरबॉक्स हैं अलग अलग टाइप के रहते हैं। तो रैक एंड पिनियन में जब हम स्टेयरिंग टर्न करते हैं तो ये शाफ्ट क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घूमती है। जब शाफ्ट एंटी क्लॉकवाइज घूमती है या क्लॉकवाइज घूमती है तो ये लेफ्ट टर्न और राइट टर्न लेता है। इसमें जो पिनियन है, पिनियन मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा, ये ऊपर जो है शाफ्ट के ऊपर जो आप चीज़ देख रहे हैं ये इस तरह का है, मैं पिक्चर में डिस्प्ले करता हूँ, ये सिर्फ अपनी एक्सिस पे घूमेगा, और ये होगा रैक के गियर के साथ जुड़ा हुआ, मैश होगा। तो ये जब ये घूमेगा तो रैक को लेफ्ट और राइट
टर्न करता है, जैसे ही रैक लेफ्ट राइट टर्न होता है तो ये शाफ्ट भी जो है मूवमेंट करती है लेफ्ट राइट टर्न, जिसकी वजह से हमारा जो टाई रॉड है जो मैंने पहले बताया वो मूवमेंट करेगा, जिसकी वजह से पूरा व्हील भी जो है वो लेफ्ट और राइट टर्न करता है दोनों तरफ। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये रैक एंड पिनियन स्टेयरिंग सिस्टम जो मैंने बताया ये सिर्फ मैकेनिकल लिंकेज वाला बताया, ये हाइड्रोलिक सिस्टम नहीं है। हाइड्रोलिक जो पावर स्टेयरिंग हमारा था उसमें एक हाइड्रोलिक यूनिट अलग से अटैच की जाती है, अगर मुझे कभी मौका मिला उस पर वीडियो बनाने का तो ज़रूर बनाऊंगा, लेकिन ये मैकेनिकल्स टाइप रैक एंड पिनियन स्टेयरिंग सिस्टम है। तो होप यू लाइक द वीडियो, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दें, और नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, नीचे सब्सक्राइब बटन है क्लिक कर लें उस पर, साथ में बेल आइकन है उसको भी क्लिक कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी न्यू वीडियोज़ की। बाकी मेरी जितनी वीडियोज़ है पुरानी आप एक बार चेक कर लें, अगर आपको अच्छी लगे हो, सारी वीडियोज़ ऑटोमोबाइल से रिलेटेड हैं, और अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें ज़रूर ज़रूर। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय। वीडियो थोड़ा लेट डाला उसके लिए सॉरी, बट आगे से कोशिश करूँगा कि रेगुलर वीडियो डालता रहूँ।